जी क्लास, तो साइंस के करिश्मे के क्वेश्चंस के बाद जो है अब हम आते हैं सबक साइंस का करिश्मा मतन से मुतल्लिक। नीचे दिए गए हर सवाल के जवाब में से सही जवाब पर टिक का निशान लगाइए। आज भी मन मुशाफा मुलाकात के लिए इंसान को सफ़र करना पड़ता है, बहरी हवाई ज़मीनी, बहरी हवाई या ज़मीनी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बहरी हवाई या ज़मीनी। इस वक्त तेज तरीन ज़रिया सफ़र है बहरी, ज़मीनी, हवाई या सहराई। हवाई, घोड़ा गाड़ी की जगह ले ली है रेलगाड़ी ने, भाप से मुतहरिक रेलगाड़ी ने, बिजली से मुतहरिक रेलगाड़ी ने या मैग्नेटिक से चलने वाली रेलगाड़ी ने। तो ये है रेलगाड़ी ने, ऑप्शन ए। पहली रेलगाड़ी चली बर्तानिया में, अमेरिका में, जर्मनी में या फ्रांस में। तो ये थी बर्तानिया में। तेज तरीन रेलगाड़ी का एजाज़ हासिल है जर्मनी को, फ्रांस को, जापान को या अमेरिका को। तो ये है जापान को। अब हम आगे चलते हैं। रेलगाड़ी से क्वेश्चन नंबर 3 है, रेलगाड़ी की रफ्तार से मुतल्लिक पैराग्राफ पढ़ें और सफरवार फहरिस्त बनाएं। जापान 270 किलोमीटर फी घंटा, माइग्लो ट्रेन 590 किलोमीटर फी घंटा, यूरोप 123 किलोमीटर फी घंटा और मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी 500 किलोमीटर फी घंटा। फिर उसके बाद है कॉलम अलिफ और कॉलम बे में मिलाइए। 1790 जो है ये हमारे कॉलम है, जो कि कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें हम लोग कॉलम को मिलाते हैं कि 1790 में जो है वो क्या बना था 1790 में। हाँ जी, कोयले की तलाश और घोड़ा रेलगाड़ी 1804 ईस्वी में, भाप का इंजन 1830 ईस्वी में, लिवरपूल मैनचेस्टर रेल की पटरी और 1845 ईस्वी में तीन तजर्बाती गाड़ियां हिंदुस्तान में। सब एक बार फिर पढ़े और इसका खुलासा तहरीर कीजिए। इंसान पत्थरों के दौर में रहा करते थे और लिबास के लिए पत्तों का सहारा लेते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करने के साथ साथ आज इसने आवाज़ की रफ्तार से भी तेज़ चीज़ें ईजाद की। तो ये था सबक, एक बार फिर पढ़े और इसका खुलासा। रेलगाड़ी का बानी मुल्क बरतानिया है, इस वक्त कौन कौन से मुल्क इस तरक्की में आगे हैं और कैसे? यूरोप दूसरे नंबर पर, दूसरे के अलावा रूस भी इस मुकाबले में पीछे नहीं है और अपनी मज़ीद तरक्की करके सफ़र को आसान बना रहे हैं। अब नंबर 7 है, वो नाम जो एक जैसी चीज़ों में हर एक के लिए बोला जाए, इसम नकरा या इसमें आम कहलाता है, जैसे बच्चा, लड़का, कलम वगैरह। पहला पैराग्राफ पढ़ें और इसमें इसम नकरा अलग अलग करके इनकी फहरिस्त तैयार करें। तो पहला पैराग्राफ में से इसम नकरा हम लोगों ने पत्थर, पौधों, पत्तों, पत्थरों, शरारा, आग और इंसान। तो ये सारी चीज़ें जो इसम नकरा में थी ये हमने अलग-अलग से कर दी हैं। जी क्लास, तो ये था आपका साइंस का करिश्मा की मश्क वगैरह। अब हम जो है सबक साइंस का जो करिश्मा है इसका खुलासा आपकी तरफ पेश करते हैं, यानी कि खुलासा पढ़ते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं। जवाब, सबक साइंस के करिश्मे का खुलासा, इंसान पहले अपने आप को ढांपने के लिए जंगली पौधों और पत्तों का सहारा लिया करता था। एक दिन उसने पत्थरों को आपस में रगड़ खाने से एक शोला निकलता हुआ देखा। इस तरह उसने आग ईजाद करने का तरीका सीखा। इंसान जिस तरह मालूमात पाता गया, इंसानी ज़रूरत की नई नई चीज़ें पैदा होती गईं और इसी सहूलत को हुसूल तरक्की कहा जाता है। आज इंसान अपनी कोशिशों से ज़मीनों, समंदर की गहराई और आसमान की वसतों तक, यानी कि आसमानों तक फैल चुका है। बीमारियों पर काबू और नई फसलें उगा रहा है। सफ़र के पुराने तरीकों की जगह अब जदीद तरीकों ने, यानी कि नए तरीकों ने ले ली है। लेकिन आज भी इंसान को एक दूसरे से मिलना हो तो उसे बहरी या हवाई सफ़र करना होता है। मौजूदा दौर में हवाई सफ़र सबसे ज़्यादा तेज़ है। ये इंसान की कोशिशों का नतीजा है कि उसने उड़न खटोला, यानी कि हवाई जहाज़ बना लिया। इंसान ज़मीन पर पैदल जानवरों, गाड़ियों, रेलगाड़ियों में सफ़र करता है। पहले घोड़ा तेज भागता था, बाद में पहिए की इजाद के बाद बैल की बजाय घोड़े ने जगह ली, जिसे हॉर्स पावर का नाम दिया गया। फिर मशीनी इंजन ने घोड़े की जगह ले ली और गाड़ियाँ आईं। 1790 ईस्वी में दुनिया तवानाई और ताकत की तलाश में थी। इस वक्त कोयला को बहुत अहमियत हासिल थी। सबसे पहले बरतानिया ने घोड़ा गाड़ी की मदद से कोयला कान से बाहर निकाला। 1804 ईस्वी में स्टीम से चलने वाला इंजन ईजाद हुआ और इससे 20 टन वजन खींचा जा सकता था।
1830 ईस्वी में लिवरपूल से मैनचेस्टर तक रेल की पटरी बिछाई गई और लोग दोनों शहरों में आने जाने लगे। हिंदुस्तान में 1845 ईस्वी में रेलगाड़ी मुतारिफ हुई और 3 साल के अंदर मुल्तान और लाहौर से ट्रेन आने जाने लगी। 1879 ईस्वी में पंजाब और सिंध में ट्रेन की आमदरफ शुरू हो गई। मौजूदा दौर में जापान तेज तरीन रेलवे नेटवर्क्स का मालिक है। इसके अलावा फ्रांस और रूस ने भी बहुत तरक्की की और ये रेलगाड़ियाँ बिजली की मदद से चार्जशुदा मकनातीसों से चलती रहती हैं। तो जी क्लास, ये थे हम लोगों का सबक साइंस का करिश्मा। अब हम आगे शुरू करते हैं आपकी नज़्म कायम पाकिस्तान रहे। तो कायम पाकिस्तान रहे ये जो नज़्म है इसकी तशरीह वगैरह जो है वो हम शुरू करते हैं। इसका पहला शेर है, हमसे वतन की शान रहे कायम पाकिस्तान रहे। पाकिस्तान के हम मतवाले आली हिम्मत और जयाले, हमने इसके काम संभाले यूँ यूँ पूरा ये ईमान रहे, हमसे वतन की शान रहे। इस बंद में शायर अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है कि हमें अपने वतन से बेपुना मोहब्बत है और क्यों ना हो, हमसे हमारे वतन की पहचान है। हम इसकी वो बहादुर कौम हैं जो इस हर वक्त इसकी खुशहाली और तरक्की के लिए कोशा हैं। इसके हर काम को मेहनत और लगन से पाए तकमील तक हमने पहुँचाया। शायर कहता है कि हमने अपने वतन से ये वादा किया है कि इसकी आन बान और शान के लिए हम आखिरी दम तक मेहनत करेंगे। जो भी हमने कदम उठाया इसने उसने वतन गुलजार बनाया, हम पर है रहमत का साया, मुहकिम यूं ही ईमान रहे, हमसे वतन की शान रहे। दूसरे पन में शायर कहता है कि हमने अपने वतन की तरक्की में जो भी काम किए इन सब में हमें कामयाबी मिली, हमने अपने वतन को बाग जैसी खूबसूरती और दिलकशी दी। शायर कहता है कि हम पर और हमारे मुल्क पर अल्लाह की खास रहमत है और हमारा पुख्ता यकीन भी है कि हम इसकी रहमत के साए तले एक दिन अपने वतन को कामयाबियों की बुलंदियों तक ले जाएंगे और इसका नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। अब आते हैं इसके बंद नंबर 3 की तरफ, बरा रहे खुशियों से दामन, हर एक दिल हो इल्म से रोशन, खुला रहे उम्मीद का गुलशन, अल्लाह का एहसान रहे, हमसे वतन की शान रहे। जी तो ये जो तीसरा बंद है इसमें शायर अपने वतन के लिए दुआ करते हुए कहता है कि ऐ मेरे वतन, अल्लाह का जो फसलो करम है वो तुम पर हो। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे वतन की सरजमीन खुशियों से भरी रहे, इल्म से मेरे वतन का कोना कोना जो है वो रोशन हो, हर दिल इल्म के नूर से मुनव्वर हो। ऐ मेरे अल्लाह, मेरा वतन दूसरों के लिए उम्मीदों का वो बाग हो जो हमेशा हरा भरा रहे और इसमें कभी कोई हजाना हो और हम हमेशा अपने वतन की शान बनकर रहें। अब आते हैं इसके आखिरी बंद की तरफ, परचम चांद सितारे वाला, यूं ही रहे ता अबद दुबाला, कायम पाकिस्तान रहे, हमसे वतन की शान रहे, कायम पाकिस्तान रहे। तो जी आखिरी बंद में शायर कहता है कि मेरे वतन का परचम हमेशा सर बुलंद रहे और यूं ही इसके चांद सितारे चमकते धमकते हैं। शायर कहता है कि अल्लाह मेरे वतन को ता क़यामत कायम व दायम रहे और हमसे हमारे वतन की शान है और अल्लाह हमेशा इस ज़मीन को कायम रखे। जी क्लास, तो अब इसकी तशरीह के बाद आते हैं इसके मुसिर सवालात की तरफ। तो इसके मुसिर सवालात में जो है वो करते हैं हम लोग इसका सवाल नंबर 1, नज़्म कायम पाकिस्तान रहे के पहले बंद की रदीफ क्या है। जवाब, हमसे पाकिस्तान की शान रहे, कायम पाकिस्तान रहे। सवाल नंबर 2, मतवाले जाले संभाले किस बंद के काफिए हैं। मतवाले जाले संभाले पहले बंद के काफिए हैं। फिर सवाल नंबर 3, ईमान मुहकिम रहने से किस बात का ताल्लुक है। हम अपने पुख्ता और मजबूत ईमान से वतन की शान बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 4, खुशियों से दामन क्यों कर भरा रह सकता है। इल्म हासिल करने से खुशी से दामन भरा रह सकता है। सवाल नंबर 5, शायर ने पाकिस्तान कायम रहने के हवाले से किस जज्बात का इजहार किया है। अल्लाह का हम पर एहसान रहे कि हमारा वतन और परचम आबाद रहे और शाद रहे। तो ये थे इसके सवाल जवाब। अब हम क्लास इसके एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं।
नज़्म कायम पाकिस्तान रहे पढ़े और नीचे दिए गए सवाल के सही तरीन जवाब पर टिक का निशान लगाइए। नज़्म में मिसरा कायम पाकिस्तान रहे कितनी बार आया है? दो बार, तीन बार, चार बार या चार से ज़्यादा बार? तो ये है तीन बार। पहले बंद में तारुफ है पाकिस्तान का, आवाम का, तालब इल्मों का या हुकूमत का? आवाम का। दूसरे बंद में दावा है वतन गुलजार बनाने का, अल्लाह की रहमत का, ठीक काम होने का या कदम उठाने का? अल्लाह की रहमत का। तीसरे बंद में दुआ मांगी गई है खुशी की, उम्मीद की, इल्म की या खुशी, इल्म और उम्मीद की? तो ये है खुशी, इल्म और उम्मीद की। अब इसके बाद आखिरी बंद में बात की गई है पाकिस्तान की, परचम की, चांद सितारे की या परचम चांद सितारे की? तो ये है परचम चांद सितारे की। अब नज़्म कायम पाकिस्तान रही को सादा ज़ुबान में नसर बनाकर लिखिए। हमसे अपने वतन की शान है और हम इसके जांबाज और मतवाले सिपाही हैं। हम पर अल्लाह की रहमत है और जो भी कदम हमने इसके लिए उठाया है वो कामयाबी की तरफ ही गया। हर इंसान इस वतन में इल्म हासिल करे और बाउम्मीद रहे और हमारा चांद और सितारे वाला ये परचम हमेशा कायम व दायम रहे। अब आते हैं नज़्म कायम पाकिस्तान रहे का मरकज़ी ख्याल। इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल ये है कि पाकिस्तान की शान इसमें रहने वालों से है जिन्होंने इसको बुलंदियों पर लेकर जाना है। सवाल नंबर पाँच, पाकिस्तानी होने के हवाले से हमारा कैसा किरदार होना चाहिए? पाकिस्तानी होने के हवाले से हमें चाहिए कि हिम्मत, मेहनत और लगन से अपने मुल्क कौम का नाम रोशन करें और मुल्क कौम के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से गुरेज ना करें। फिर आगे सवाल नंबर छः है हमारा क्लास, नज़्म में शायर ने परचम के बारे में जो कहा है तहरीर कीजिए। शायर परचम की तारीफ बयान करते हुए कहते हैं कि चांद सितारे वाला परचम हमेशा ऊंचा रहे। सवाल नंबर सात, नज़्म में इस्म नकरा की फहरिस्त तैयार करें जैसे वतन, जाले वगैरह। तो इल्म जो है वो इस्म नकरा है उम्मीद, गुलशन, दामन, शान, कदम और गुलजार। तो क्लास, नज़्म जो है वो कायम पाकिस्तान रहे ये भी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम शुरू करते हैं आगे आपके नेक्स्ट चैप्टर शेरे हुदा। जी, शेरे हुदा जो कि सफ़ा नंबर 48 पर है, इसकी पढ़ाई करते हैं। तरीक़े इस्लाम की मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियात में से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअत्तमत तरीन और अशरा मुबशरा सहाबियों में से एक हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद और दामाद थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबज़ादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जोजा थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत के तमाम तर पहलू नहायत रोशन और काबिल तकलीद हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कबीला हाशिम अरबों की तरीक़ का मुमताज़ तरीन कबीला है। ये कबीला हरम काबा की खिदमत, आब जमज़म के इंतज़ाम इंसराम और हुज्जाज की खिदमत के हवाले से मुअत्तबर और मशहूर था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद अबू तालिब और वालदा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते असद दोनों ही हाशमी थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते असद जोजा अबू तालिब को हिजरत मदीना की सआदत नसीब हुई। इनकी वफ़ात पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कफन दफन के इंतज़ाम खुद फरमाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश मोहब्बत में तरबियत पाई। बाज़ तारीख निगारों के नज़दीक आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश आमुल फील यानी जिस साल मक्का पर हाथियों की मदद से हमला किया गया उससे 7 साल बाद हुई। बाद सीरत निगार आपकी विलादत हज़रत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 3 साल बाद बताते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इब्तदाई उम्र से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोशे मोहब्बत से मुस्तफ़ीद हुए। इस तरह बचपन ही से इल्म व अमल में खैर व खूबी से हम कनार रहे। अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक का आगाज़ अपने घर से किया। तरीक़े इस्लाम की सबसे पहली मुसलमान खतून का आज़ाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हासिल हुआ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मिल्लत इस्लाम हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وسلم کے خلقہ احباب میں سے سب سے پہلے بالغ مسلمان مرد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کا نام عبدالکعبہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ رکھا. چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی خدمت میں ہمیشہ سبقت لے جاتے تھے اس لیے ابو بکر مشہور ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور معراج کو حق اور سچ ماننے, اس کی صداقت کی فوری اور اولین تائید کرنے پر صدیق کہلائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھریلو اجتماع میں سب سے چھوٹے تھے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے افراد کو دعوت حق دی تھی. اللہ کا پیغام سن کر سب خاموش تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے فرمایا, گو کہ میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں, مجھے شعبِ چشم کا عارضہ ہے اور میری ٹانگیں دبلی پتلی ہیں, تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور دست و بازو بنوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا, بیٹھ جاؤ, تو میرا بھائی اور وارث ہے. اس طرح نحیس لڑکوں میں دعوت حق سے سرشار ہونے کا شرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا. یہ زمانہ انسانوں کو غلام بنا کر رکھتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی خادم تو تھے مگر غلام نہ تھے. خادموں میں سے مسلمان ہونے کا اعزاز حضرت زید بن حارث کو ملا. یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ علم و عمل اور شجاعت میں بے مثال تھے, مگر ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری اور علم پر دسترس اپنی مثال آپ تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا تھے. جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو اپنے بستر مبارک پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹنے کی اجازت فرمائی. دشمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن ہو رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطرناک گھڑی میں جان قربان کرنے پر تیار تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 دن بعد مدینہ گئے. مشہور ترین غزوات بدر, احد, حیبر اور فتح مکہ میں علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہا. وہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کے وہ علم استعمال کیے جن میں ایک علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. دوران مقابلہ مکہ کے قریش نے مدینہ منورہ کے نوجوانوں سے لڑنے سے انکار کیا اور اپنے برابر کے قبیلوں سے نوجوان طلب کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ اتارے. اس قسم کی دو بدو لڑائی کو مبارزت کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مد مقابل کو ایک ہی وار میں جہنم حاصل کر دیا اور پھر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرتے ہوئے ان کے مد مقابل کو بھی تہ دہ کیا. غزوہ احد میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پر لے کر ان کے زخموں پر پانی ڈالتے رہے تاکہ خون بہنا بند ہو جائے. یہودی قبیلے بنو قریظہ کے خلاف بھی علم آپ کے پاس تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح حیبر سے پہلے فرمایا, کل میں ایسے بہادر کو علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے اور حیبر کی فتح اسی کے ہاتھوں میں مقدر ہے. یہ بہادر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ خیبر کے سردار مرحب کو ایک ہی وار میں ڈھیر کر دیا اور فتح خیبر ہوئے. مکہ فتح ہوا تو اس وقت بھی علم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا. ان غزوات کے علاوہ دیگر مواقع پر بھی آپ شجاعت کے عظیم ترین مرتبے کے حامل رہے. غزوہ ہندق میں کفار کا گھڑ سوار دستہ ہندق میں گھس آیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سردار کو قتل کر دیا. بنو سعد کے خلاف مہم میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سردار رہے. اور تو اور خانہ کعبہ میں بتوں کو پاش پاش کرتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر ان کے ہاتھوں میں سب سے بڑا بت پاش پاش کروایا. مرحبا شیر خدا, یقیناً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی تھے. اور کیوں نہ ہو, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میرے بھائی اور وارث ہو. تو کلاس اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں. مشق میں سبق شیر خدا پڑھیں اور مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات جو ہیں وہ مجھ سے جوابات دیں. تو اب اس کے جو ہیں شیر خدا کے سوالات کے جوابات, سوال نمبر 1, سبق شیر خدا کس شخصیت سے متعلق ہے؟ سبق شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے متعلق ہے. سوال نمبر 2, حضرت عبداللہ کس نام سے معروف ہوئے؟ حضرت عبداللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبدالکعبہ کے ناموں سے معروف تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اسلام کے کاموں میں سبقت لے جانے کی وجہ سے بھی مشہور تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج کے واقعہ کو سچ ماننے کی وجہ سے صدیق مشہور ہوئے. سوال نمبر 3, افراد خانہ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اور مجھے اشوب چشم کا عارضہ ہے اور میری ٹانگیں دبلی پتلی ہیں, تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور دست و بازو بنوں گا.
सवाल नंबर चार, अफरादी खाना के सामने आप रज़ी अल्लाह ताला के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ, तू मेरा भाई और वारिस है। सवाल नंबर पाँच, मशहूर गज़वात के हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने क्या खास काम किया? मशहूर गज़वात में अलम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के हाथ में रहा। जी क्लास, अब सबक शेर खुदा को एक बार फिर पढ़िए और इस सवालात में से हर सवाल का दुरुस्त तरीन जवाब दीजिए। तो इसके जो MCQs हैं वो करते हैं। हुज़ूर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कबीला मुअत्तबर तरीन है, तरीहे अरब का, तरीहे एशिया का, तरीहे यूरोप का या तरीहे आलम का? और ये है तरीहे अरब का। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई थे, वारिस थे, भाई और वारिस थे, वारिस और भाई थे, भाई और वारिस थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने घरेलू इज्तिमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी बनूँगा, दस्तोबाजू बनूँगा, साथी और दस्तोबाजू बनूँगा, दस्तोबाजू और भाई बनूँगा, साथी और दस्तोबाजू बनूँगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वाए बदर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अलम दिया, सफ़ेद रंग का, स्याह रंग का, सुर्ख रंग का या फिर मुख्तलिफ रंग वाला? तो ये था स्याह रंग का। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंधों पर उठाकर सबसे बड़ा बुत पाश पाश करवाया, हज़रत अबू बकर से, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। तो ये था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। तो उसके बाद इस गज़वात के हवाले से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत का जो ख़ास पहलू इस सबक में दिया गया है वो कौन सा है? सबक तो वो था कि गज़वात के हवाले से मशहूर तरीन गज़वात बदर, ओहद, हैबर और फतह मक्का में जो अलम था वो हज़रत अली के पास था। तो ये जो है ये ख़ास पहलू था। क्लास, अब हम जो है इसका खुलासे, उसके खुलासे की तरफ आते हैं। खुलासे में है कि हज़रत अली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद, भाई, दामाद और तरीके इस्लाम की मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियात में से हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद अबू तालिब और वालदा हज़रत फ़ातिमा अरबाओ के मुमताज़ कबीले हाशिम से ताल्लुक़ रखते थे। मुमताज़ कबीले हाशिम से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर असर तरबियत पाई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश आमुल फील से 7 साल बाद हुई। अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीगे इस्लाम अपने घर से की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफराद खाना को दावत हक दी, यानी कि घर के अफराद को दावत दी, तो सब खामोश हो गए। हज़रत अली खड़े हुए और फरमाया, गो कि मैं उम्र में सबसे छोटा हूँ, मुझे अशोबे चश्म का आर्जा है। अशोबे चश्म यानी कि आंखों का मसला है और मेरी टांगें दुबली पत्ती हैं, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी और दस्तोबाजू बनूँगा, साथी और दस्तोबाजू बनूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया, बैठ जाओ, तू मेरा भाई और वारिस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा इकराम इल्म व अमल शुजात में बेमिसाल थे, मगर हज़रत अली शेर खुदा थे, यानी कि खुदा के शेर थे। हिजरत मदीना के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपने बिस्तर पर लेटने की इजाज़त फरमाई। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करने को तैयार थे। गज़वाए बदर, हैबर और फतह मक्का में अलम आपके हाथ में रहा, यानी कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ में रहा। कुरैश मक्का से मुकाबला में हज़रत अली ने अपने मद मुकाबल को एक ही बार में जहन्नम भेज दिया। इसी तरह जंगे ओहद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ पर ले गए और जख्मों पर पानी गिराते रहे ताकि खून बहना बंद हो जाए। फतह हैबर से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं ऐसे बहादुर को अलम दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल को महबूब है और हैबर की फतह उसके हाथों में मुकद्दर है, और वो है थे अली, यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो क्लास, आपका जो सबक है शेर खुदा ये भी मुकम्मल हो चुका है। तो जमात शशम, आपका जितने भी जो क्वेश्चन आंसर हैं आपके इस बात के, वो सारे के सारे मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें MCQs और हम लोगों ने आपको खुलासा वगैरह भी जो है वो करवा दिए। तो उम्मीद है कि आप इसे घर पर जरूर करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।